नमस्कार किसान भाइयों, मैं देवेंद्र दुबे बेरिसन एग्रो साइंसेस से, मेरा हेडक्वार्टर रतलाम। आज मैं यहाँ ग्राम तिलगारा, पोस्ट तिलगारा, तहसील बदनावर, जिला धार के एक ही उन्नतिशील गांव तिलगारा है, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये हमारा एक मिर्ची का प्लाट है जो कि लगी हुई है। मिर्ची ये लगी हुई है शक्ति 51। कौन सी वैरायटी है? AK-47 है। ये है BASF कंपनी की AK-47 लगी हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्प्रे करवाए हैं, 4 डेमो करवाए हैं। वो करीब करीब 5-7 दिन के अंतराल में अभी तक हम लोगों ने 4 डेमो करवाए हैं। तो ये हमारे किसान भाई है प्रकाश जी पाटीदार। तो इनके यहाँ यह देखने को गए मिला था कि जब इन्होंने मिर्ची यहाँ लगाई थी तो ये मान के चलिए कि कम से कम 30-40% प्लांट में इनका वायरस आ चुका था। उसके बाद में कहीं से इनको पता लगा, इन्होंने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे मिर्च लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ने इनके यहाँ पे फर्स्ट डेमो करवाया था, करीब आज से 25 दिन पहले की बात है जब फर्स्ट डेमो करवाया था। उस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे प्लांट में 30-40% में वायरस आ चुका था। और जब स्प्रे करवाया तो स्प्रे करवाने के बाद में जिन जिन पौधे में वायरस था उनमें वायरस अभी तक 100% क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट पे अभी भी हल्का फुल्का कर्लिंग बचा हुआ है, या कर्ल है थोड़ा है। बाकी ये है कि जैसे स्प्रे करवाने के बाद में प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकी हुई है। उसके बाद में जो प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन देख रहे हो, एकदम प्रोडक्शन इस टाइप से आ रहा है। ये बिल्कुल मिर्ची स्ट्रेट है और कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग है। अब फ्लावरिंग भी देख पा रहे हैं इसमें, देखिए जबरदस्त फ्लावरिंग भी है और फ्रूटिंग भी है। जैसे मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ये एक प्लांट ऐसा है जिसको हमने नोट किया था, तो इसमें प्राइमरी स्टेज पे काफ़ी कर्ल था। उसके बाद में अभी आप देख पा रहे हैं तो ये जो है पत्ते पूरे इसमें सीधे होने चालू हुए हैं और इसमें प्रोडक्शन भी है। आप देख रहे हैं कितना इसमें प्रोडक्शन लगा हुआ है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा। ये प्लांट प्राइमरी स्टेज में जब इसको हमने स्प्रे नहीं करवाया था उस समय इसमें काफ़ी कर्ल था। उसके बाद में कर्ल तो अभी भी है, ये पूरा पत्ता बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है। ये पत्ता क्लीन नहीं है जबकि ये पत्ता पूरा बिल्कुल क्लीन है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन एज इट इज़ है। प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं है, प्रोडक्शन बिल्कुल कंटिन्यू इसमें भी है और प्रोडक्शन इसमें भी है। मतलब दोनों पत्तों में ये डिफरेंस है कि ये स्टार्ट से ही फ्रेश था और ये जब हमने स्प्रे करवाया उसके बाद में इसका कर्लिंग गया है। 100% अभी कलर गया नहीं है, बट ये है कि जब 4 स्प्रे ही हुए हैं उसके बाद में आप इसमें देख रहे हैं इसमें भी मिर्ची उतनी ही लगी हुई है जितनी इसमें लगी हुई है। मतलब कुल मिला के ये है कि स्प्रे करने के बाद ये देखा गया है कि जो प्लांट कर्ल वाले थे उनमें प्रोडक्शन डल नहीं हुआ। दूसरी बात, हाइट को लेके भी कोई डिफरेंस नहीं आया। इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है। मतलब ना तो प्लांट की ग्रोथ रुकी है ना प्रोडक्शन रुका है। कर्ल है तो कर्ल स्टेप बाय स्टेप खत्म होता जा रहा है। यह है प्रकाश जी पाटीदार, विलेज तिलगारा, तहसील बदनावर, जिला धार का। आज इनके यहाँ 4th डेमो करवा रहे हैं ये चिली के ऊपर। यहाँ पे इनके यहाँ वायरस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिया है बेरिसन एग्रो साइंसेस का VC 100 और उसके साथ में एसीटापराइड। VC 100 को लिया है 1 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम और एसीटापराइड को लिया है 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम। तो आज 18/8/2022 को इनके यहाँ 4th डेमो करवा रहे हैं। ये चिली की ये पोजीशन है, अभी वायरस काफ़ी कंट्रोल हुआ है। कुछ पत्ते अभी कर्लिंग वाले हैं, ज़रूर थोड़े बहुत पत्ते कर्ल वाले हैं अभी इसमें। जब हमने फर्स्ट स्प्रे करवाया था तो कर्ल ज़्यादा था, सेकेंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे और आज 4th स्प्रे हम करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट आज या फिर कल में हम इनके यहाँ वापिस से 5th नंबर का स्प्रे हम इसके यहाँ करवाएंगे। तो आप इससे फायदा ये हुआ है कि अभी तक ये इसमें 3rd तुड़ाई ये कल करेंगे वापस, इसमें 3rd तुड़ाई होगी। उसके बाद में कंटिन्यू अभी जो प्लांट की ग्रीननेस है, ग्रीननेस को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कम से कम अभी तक इसमें प्लांट में 5-7 तुड़ाई की तो आसानी से गुंजाइश है। आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप से बिल्कुल ही पूरी एकदम स्ट्रेट फल आ रहा है, बिल्कुल सीधा फल आ रहा है और कहीं से कहीं तक कोई भी इसमें कर्लिंग आने के बाद भी प्लांट के अंदर पूरे के पूरे जो फल है, फल पूरे स्ट्रेट ही आ रहे हैं।
अब मैं आपका थोड़ा सा इनसे, हमारे किसान भाई है, इनसे परिचय कराता हूँ। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश पाटीदार है, मैं गांव तिलगारा में रहता हूँ और मैंने ये 5 लाइन मिर्ची लगाई है। पहले इसमें वायरस दिख रहा था, अब इसमें थोड़ा सुधार हुआ है वायरस में। BC100 का स्प्रे हमने 4 डेमो करवा चुके हैं भाई साहब। ये तो प्रकाश जी आप ये बताइए कि आप हर साल कितनी मिर्ची लगाते हैं? पहले तो हम 3-4 बीघे मिर्ची लगाते थे, पर ये वायरस की वजह से हमने मिर्ची लगाना बंद कर दिया और अब वापस स्टार्ट किया है। पहले क्या कि ये कोई दवाई ऐसी वायरस के लिए नहीं आ रही थी, अब ये VC100 के स्प्रे से वायरस नहीं आने से पहले स्प्रे करने लग जाते हैं, तो ऐसा मानना है कि वायरस आना मुश्किल है। मतलब जब आपके इसमें फील्ड में हम लोगों ने जब स्प्रे करवाया था तो करीब करीब काफी पौधे वायरस वाले थे। हाँ। मतलब ऐसा नहीं अपन इसको बोल सकते हैं कि यहाँ वायरस बिल्कुल नहीं था। नहीं, वायरस तो था इसमें, लेकिन अब कंट्रोल है वायरस में। जब आप जब इसमें आपको स्प्रे करवा दिया उसके बाद में ये बताइए कि इसमें आपको कितना क्या राहत क्या मिल रही है? इसमें आया है 70% सुधार हुआ है। 70% सुधार हुआ है। इसके अलावा ये बताइए कि आप जो मिर्ची लगा रहे हैं तो ये हर साल का ही पैटर्न है? मिर्ची लगाना हर साल आपका एक हैबिट ही है, तो हर साल में आपको ये, पिछली बार ये बताइए कि आपने जो मिर्ची लगाई थी उसमें आपको कितने तुड़ाव आए थे? उसमें तो एक भी तुड़ाव नहीं हुआ था और डैमेज हो गई थी वो। प्रकाश जी आप ये बताइए हमको कि मतलब मेन आप मिर्ची से नहीं लगाने का कारण यही है कि भाई हर साल वायरस आ जाता है, बड़ी वायरस की वजह से ही मिर्ची लगाना बंद हुई है। बराबर बराबर, क्योंकि वायरस से माल भी निकलता नहीं और खर्चा अनलिमिटेड हो जाता है। मतलब आपने पिछले साल करीब करीब एक भी तुड़ाई नहीं करवा पाए और पूरे फील्ड में वायरस आ गया। इस बार अभी तक आप इसमें कितनी तुड़ाई करवा चुके हैं? हमने अभी 3री तुड़ाई चल रही है। 3री तुड़ाई चल रही है आपके इसमें? बराबर। और आपको क्या उम्मीद है इसमें, आपको और कितना माल निकल जाएगा, मतलब कितनी तुड़ाई आप और इसमें करवा पाएंगे? अनुमान है कि अपन 4-5 बार और तुड़ाई कर पाएंगे। 4-5 बार और तुड़ाई हो पाएगी आपके? मतलब कुल मिला के ये आपका कहना है कि VC100 जब से अपन ने लगाया है उसके बाद में वायरस को लेके आपका काफी कंट्रोल आया है? वापिस कंट्रोल हुआ, सुधार आया है, पौधों में ग्रीननेस आ गई है। बराबर बराबर। तो थोड़ी बहुत कर्लिंग है, बाकी तो ठीक हो रहा है। मतलब अभी थोड़ा बहुत कर्ल है, ऐसा नहीं कि 100% गया है। तो अभी तक आपके यहाँ 4 स्प्रे हुए हैं अभी, और इसमें जब तक आपका इसका फील्ड चलेगा पर इसका ये स्प्रे वायरस नहीं आने से पहले ही अपन इसका स्प्रे लगा देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बराबर। मतलब जब आपने आपके यहाँ जब शुरुआत की थी हम लोगों ने तो मुश्किल से 30-40% तो वायरस आ चुका था, उसके बाद ही आपके यहाँ शुरुआत हुई थी हमारी, ग्रीननेस खत्म हो रहा था। पर अब वापिस ये VC100 का स्प्रे लगवाने से ग्रीननेस में वापिस सुधार आया है, पूरा पूरा मतलब प्लांट ग्रीन हो। चलो थोड़ा आगे तक और भी चलते हैं, और भी प्लांट दिखाते हैं आपको। यहाँ मिर्ची की जो लगावट है वो आपको दिखाते हैं। ये पूरा पूरा ये लगी हुई है अच्छे से, पूरे प्लांट में बहुत जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। ये जैसे आप दिख रहे हैं कि ये अभी ये जैसे यहाँ पे कर्ल है, अभी इसमें भी सुधार आया है धीरे धीरे करके, ये भी कंट्रोल हुआ है। अभी और भी इसमें अगले 3 या 4 स्प्रे और होंगे इसमें, जब तक ये प्लांट चलेगा तब तक स्प्रे करवाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, करीब करीब इनकी 5 रो में जो 5 से 6 रो जो लगी हुई है इनमें पूरे में स्प्रे करवा दिया था, और सिर्फ डिफरेंस देखने के पर्पज से हम लोगों ने इतना सा थोड़ा सा ही ब्लॉक छोड़ा था ताकि इन लोगों को कोई नुकसान भी ज्यादा नहीं हो और हम लोगों को डिफरेंस भी काफी शो हो पाएगा। तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लगा के कम से कम ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 से 12 पौधे ये छोड़ दिए थे। आप इनमें देख पा रहे हैं कि कर्ल, भयंकर कर्ल आया हुआ, क्योंकि ये एरिया हम लोगों ने छोड़ चुके थे, ये पूरा का पूरा कर्ल है ना। इनमें कोई फ्रूटिंग है, ये फ्रूटिंग भी नहीं, पूरा बंद हो चुका है, इनमें फ्रूटिंग भी नहीं है। उसके बाद में इनकी कर्ल की जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, भयंकर कर्ल आया हुआ अभी भी, ये पूरा का पूरा पत्ते कर्ल है, इनमें क्लीनिंग नहीं हुआ। जबकि जहां हम लोगों ने स्प्रे करवाया है वहां पे कर्ल कवर्ड हुआ, मतलब काफी हद तक उसमें खत्म हो चुका है, और ये इतना ही एरिया छोड़ा था। तो ये यहाँ से यहाँ तक कि हम लोगों ने कम से कम 10-12 प्लांट छोड़े थे, और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा पत्ता अभी भी इनमें, जिसमें स्प्रे हुआ ही नहीं है, उनकी ये पूरी की ये पूरी कंडीशन है। ऊपर से पूरी चौक ऑलमोस्ट रुक चुकी है, ये पूरे के पूरे रुक चुकी है, और इनमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं है। जबकि आपने उधर जहां इस एरिया में हम लोगों ने स्प्रे करवाया है वहां पे ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कर्ल, माइनर कर्ल बचा है और फ्रूटिंग भी आपको जबरदस्त मिल रही है। यहाँ पे आपको कहीं से कहीं तक ये इस टाइप के कोई फ्रूट वगैरह नहीं है। ये पूरी जो इतना एरिया हम लोगों ने जो छोड़ रखा था ये सिर्फ चेक करने के लिए, ताकि ये देखा जाए कि भाई आखिर जिन एरिया में स्प्रे हुआ है और उनमें नहीं हुआ है तो उनमें कितना डिफरेंस आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल कर्ल काफी है अब इनमें, और येलोनेस भी आ रहा है। ये पूरा प्लांट यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये पूरा
फील्ड पूरा इनकी इसकी ग्रीननेस ही खत्म हो गई है, मतलब आगे इसकी ग्रोथ पूरी चौक है, ये पूरी ऊपर पूरी जो टिप है ये पूरी की पूरी बंद है, मतलब इनमें ये है, ये ही कंडीशन इनके हर साल आती है। तो जब हमने इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने बोला, बोले यार मेरे खेत में भी वायरस आया हुआ है, तो हमने कहा चलो आपके यहाँ एक हम डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन इनके यहाँ करवाया था हम लोगों ने, तो इन्होंने क्या है कि लास्ट ईयर मिर्ची, ये मिर्ची ग्रोअर ही किसान है, बहुत ही मिर्ची लगाते हैं, हर सालाना इनकी मिर्ची कम से कम हर साल एक या दो बीघे में लगाते हैं। लेकिन पिछले साल भी इन लोगों ने जब यहाँ मिर्ची लगाई थी तो मिर्ची लगाने के बाद में क्या हुआ, एक या दो तुड़ाई हुई थी या तीन तुड़ाई तक पहुंचे थे, उसके बाद में ऑलमोस्ट पूरे फील्ड में वायरस आ चुका था। तो इस बार इस डर के कारण इन्होंने अभी मात्र ये चार छः ही लाइनें लगवाई है स्प्रे की, ये मिर्ची इन्होंने चार पाँच ही रो में लगवाई है। तो इस बार जब इनको जैसे ही पता लगा तो इन्होंने बोला चलो हमारे आप डेमो करवाइए, तो हमने इनको जैसे फर्स्ट डेमो करवाया, उसके बाद आप देख रहे हैं तो अभी तक यहाँ पे इस चिली में ये तीन तुड़ाई करवा चुके हैं, तीन तुड़ाई करवा चुके हैं, और आज भी इस पूरे प्लाट में ग्रीननेस है। आप देख रहे हैं पूरा प्लाट एकदम ऑलमोस्ट ग्रीन है, जो कुछ कर्लिंग आया है जिसमें पौधे में कुछ में कर्लिंग आया है, जैसे ये आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये थोड़ा थोड़ा कर्लिंग है, ये कर्लिंग भी करीब करीब खत्म होने की स्थिति है। ये पूरा कर्ल वाला प्लांट था तो इसमें भी ये पूरे पत्ते पूरे सीधे होने चालू हो गए हैं, और इनमें क्लोरोफिल की वापस से रिकवरी स्टार्ट हो गई है। ये पत्ते हैं अभी भी इनमें कर्ल है, ऐसा नहीं कि 100% गया है, लेकिन ये पत्ते सीधे होना चालू हो गए हैं और इनमें कर्ल चला गया है। तो अब इनको ऐसी उम्मीद लग रही है इसमें कि कम से कम हम लोगों को चार से पांच तुड़ाई और एक्स्ट्रा मिलेगी, ये ग्रीन की बात कर रहा हूं मैं, कि ग्रीन में चार से पांच तुड़ाई और अभी इनको एडवांस में मिल जाएगी। और अभी पूरे प्लाट पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से मिर्ची लगी हुई है पूरे प्लाट पे ये, और जिन पौधों में कर्ल है उन पौधों में भी मिर्ची की बिल्कुल कंटिन्यू लगावट है, ऐसा नहीं है कि उन पौधों में कर्ल आने के कारण उनमें मिर्ची की प्रोडक्शन कम हुआ, उनमें प्रोडक्शन कंटिन्यू है। इसके अलावा पूरे प्लाट में एक तरफ से पूरी ग्रीननेस है, अभी बिल्कुल प्लाट की कंडीशन पूरा ही ग्रीन है, लश ग्रीन प्लाट हो रहा है, और अभी तक यहाँ फार्मर ने तीन तुड़ाई करवा चुके हैं और अभी कंटिन्यू इसकी तुड़ाई चालू रहेगी, कम से कम पाँच से सात तुड़ाई की अभी और उसमें गुंजाइश दिख रही है कि पाँच से सात तुड़ाई अभी और इसमें निकल सकती है। जबकि यही मिर्ची थी, यही वेराइटी थी लास्ट ईयर, तो उसमें मात्र कुछ ही थोड़ा बहुत इन्होंने प्रोडक्शन लिया, उसके बाद में पूरा का पूरा प्लाट ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। लेकिन इस बार अभी तक इन्होंने तीन पिकिंग करवा चुके हैं और अभी भी माल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू है। यहाँ पे क्या हमारे किसान भाई ने मिर्ची बहुत ज्यादा मिर्ची नहीं लगाई थी, कुल मिला के ये है कि ये छह रो लगी हुई है, तो उसमें से जब हमने इनसे छोड़ने की बात कही कि भाई डिफरेंस देखने के लिए कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा तो एरिया लगवाया है तो इसमें से हम कितना छोड़वा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सिर्फ एक चेक पर्पज से कि भाई स्प्रे करने से कितना डिफरेंस आता है, उसके लिए हमने इतना सा एरिया छोड़ दिया था। तो जो एरिया छोड़ा था उसमें आप देखिए बहुत ही ज़्यादा कर्ल है, खतरनाक रूप से कर्ल है, और कहीं से कहीं तक कोई ये पूरा ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। ये वो एरिया है जो हम लोगों ने सिर्फ चेक के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया था ताकि ये डिफरेंस क्लियर पता लग पाए कि कैसी क्या पोजीशन है। ये इसमें खतरनाक रूप से वायरस आ चुका है और ना कोई इसमें फ्रूटिंग है, फल भी काफ़ी है, तो फल भी बहुत ही माइनर है, ये जो छोटे छोटे फल काफ़ी छोटे छोटे ही फल लग रहे हैं इसमें। ये यहाँ से सिर्फ एक चेक के लिए ये यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक का इतना एरिया छोड़वा दिया था। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो पौधा है ये शुरुआती दौर में वायरस इफेक्टेड था, और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नई है, ये जो नई है, ये नई लीव्स इसमें वापस से निकलना स्टार्ट हो गई है। ये जस्ट इसके पास वाला ये जो प्लांट है ये शुरू से इसमें बिल्कुल भी वायरस नहीं था, ये जीरो वायरस वाला प्लांट था। उसके बाद में इनमें और दोनों में पौधों के हाइट में कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं आया है, और जो माल लगने की कैपेसिटी वो भी ऐसी ही थी, इसमें भी माल वो क्या हुई है फ्रूटिंग लग रही है, इसमें भी माल बिल्कुल कंटिन्यू लग रहा है। तो अगर आपको इस दवाई को अगर खरीदना है तो उसके लिए इसमें लिंक शेयर कर रखा है, तो उसके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन भी परचेस करके इसको बुलवा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा नए सब नए पत्तियाँ निकल रही है, थोड़ा कर्ल अभी बकाया है, कर्ल थोड़ा थोड़ा किसी किसी पत्ते में भी कर्लिंग है, बाकी अभी प्लाट की ये बिल्कुल इस टाइप से ग्रीननेस कंडीशन है, एकदम एक्सीलेंट प्लाट है और काफ़ी अच्छा, बिल्कुल पूरे में
फ्लावरिंग, नया फ्लावरिंग देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से फ्लावर आया हुआ है, पूरा फ्लावर आया हुआ है इसमें। तो इसको VC 100 को लगाने के बाद में मुख्य रूप से देखा गया है कि पत्तों के अंदर कर्ल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उसके बाद में जो नए पत्ते बन रहे हैं, ये जो नए पत्ते बन रहे हैं ये इनमें भी अब कर्ल नहीं है, और ये है पुराना जिसको शुरू से ही वायरस नहीं था और अभी भी इसमें वायरस की शिकायत नहीं आई है। मतलब VC 100 को लगाने के बाद में आप ये देखा गया है, सबसे मुख्य बात यह है कि पौधे की ग्रोथ नहीं रुकी है और कंटिन्यू उसकी फ्लावरिंग वगैरह है। आप ये यहाँ पे देखिए, ये शुरुआती दौर में ये पूरा का पूरा जो प्लांट था ये इस टाइप से कर्लिंग में आया हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा फ्रेश होने की कगार पे आ गया है ये इस टाइप से। जबकि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं पास में, ये जो पौधा है, ये पौधा शुरुआती दौर से ही बिल्कुल क्लियर था, और ये जो पास वाला है इसमें कर्ल था, लेकिन ये अब धीरे धीरे इसमें रिकवर परसेंटेज काफी, इसकी रिकवरी काफी हो गई है। यहाँ मिर्ची में जबरदस्त ग्रोथ है और कर्ल है, लेकिन उसमें फ्रूटिंग वगैरह बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, नए नए फल भी बन रहे हैं और बराबर ग्रोथ रेगुलर है। मैं आपसे पूरे वाक्य के बाद में जानना चाहता हूँ कि आपका इस VC 100 को लेके आखिर आपका क्या किसान भाई, हमारे जो अगले किसान भाई है उनको क्या कहना? मेरा कहना तो यह है कि यह प्राइमरी स्टेज से ही इसका स्प्रे किया जाए तो वायरस 90% चांस रहेंगे कि नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत स्तर से इसका स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतर में किया जाता है तो यह वायरस के लिए सहन शक्ति बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन में भी अच्छा उत्पादन होगा। मतलब अपन ने जितना ये इतना एरिया छोड़ा इन्हीं में अपने को ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भाई जिन जो 10 से 12 पौधे अपन ने छोड़े हैं तो इनमें इतना जबरदस्त वायरस आया हुआ है कि काफी वायरस आया हुआ है, जबकि अदर एरिया में अपने को ये देखने को मिल रहा है कि कर्लिंग में काफी सुधार आया है। तो मेरा तो मानना ये है कि VC 100 का स्प्रे प्राइमरी स्टेज से ही करना चाहिए। प्राइमरी स्टेज से करेंगे तो मतलब ये है कि ये जो नुकसान वाला जो है नुकसान नहीं होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।